बटर स्कॉच फ्लेवर सबको पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बटर स्कॉच केक, और बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट और टेस्टी है ये केक। मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा आपके लिए लाते हैं मैजिकल रेसिपीज। तो आज हम ये मैजिकल केक आपके लिए लेकर आए हैं, बटर स्कॉच एगलेस केक। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, इतना अमेजिंग है कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है ये केक। साथ में बनाएंगे कैरमल सॉस और बनाएंगे बटर स्कॉच ग्रेन्यूल्स। तो ये बहुत ही टेस्टी है, बने रहिएगा वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ। हम शेयर करेंगे आज आपको ये रेसिपी। ये केक हमने पैशन ऑफ कुकिंग क्लब के एनिवर्सरी पे बनाया है, तो ये एनिवर्सरी केक इतना टेस्टी है। चलिए बना लीजिए फटाफट से ये बटर स्कॉच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चलें देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चलें बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। चलिए बनाते हैं कैरमल सॉस। उसके लिए देखिए, 1 कप हमने लिया है यहाँ पर शुगर, 1 कप चीनी लेनी है आपको, और यहाँ पे बटर हमने लिया है, देखिए तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून हमने ले लिया है बटर। और अब चलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस हमने यहाँ ले लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम आपको बता देते हैं, वो है फ्रेश क्रीम। तो ये हमने आधा कप फ्रेश क्रीम लिया है, तो ये आप फ्रेश क्रीम यूज करें। और यहाँ पे 1/3 कप हमने लिया है पानी, तो जितना चीनी है उसका 1/3 पानी लेना है, और हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। चलिए बना लेते हैं कैरमल सॉस। तो 1 कप चीनी हमने ऐड कर दिया वॉक में, और फ्लेम बिल्कुल लो है, ध्यान रखें फ्लेम लो होना चाहिए। इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप पानी, और इसको बिल्कुल लो हीट पे पकाना है। आप देखेंगे 10 से 12 मिनट में अच्छे से कैरमल रेडी हो जाता है। ये देख सकते हैं, एक हल्का सा आप इसको इस तरह से कर दीजिए सेट। उसके बाद आपको छेड़ना नहीं है, इसको चलाना नहीं है जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, क्योंकि कैरमल सॉस बनाते समय यदि आपने छेड़ दिया तो चीनी जो है क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देखिए धीमी आंच पे ये पक रहा है, और आप देखेंगे कि 4-5 मिनट में ये कैरमल आपको कलर दिखने लगता है, ये शुगर मेल्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है, फ्लेम मीडियम या हाई नहीं करना है, फ्लेम लो रखना है, यानी धीमे धीमे आपका कैरमल में कन्वर्ट होता है शुगर। और यदि आपने इसको स्टर कर दिया, इसको छेड़ दिया, तो क्या होगा कि चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल चलाना नहीं है, और धीमी आंच पे आपको कैरमल रेडी करना है। तो 10-12 मिनट में ये टोटल क्लेम आपका जो है तैयार हो जाएगा कैरमल सॉस। तो देखिए चीनी मेल्ट होने लगा है, अच्छे से मेल्ट हो रहा है, 4-5 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो जाता है, उसके बाद कैरमल होना स्टार्ट होता है। और इस समय बबल्स बहुत ही
तेज होते हैं और ये आपके यदि हाथ पे लगे तो उसे बर्न कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा और इसको अच्छे से आपको कैरमल होने देना। देखिए मेल्ट हो गया और इस समय फ्लेम बिल्कुल लो है, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब ये कैरमलाइज होगा, फ्लेम आपको लो ही रखना है, फ्लेम आपको बिल्कुल हाई नहीं करना। बड़े बड़े आप बबल्स देख रहे होंगे तो ये अपने आप ये कैरमल में चेंज होगा, तो ये क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी स्टर्न नहीं किया है, बिल्कुल हिलाया नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टर आप नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब आप स्टर कर सकते हैं क्योंकि आप क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल नहीं है शुगर। तो ये आपको जरूर टिप्स ध्यान रखना है जब आप कैरमल सॉस बना रहे हैं। तो अब ये कैरमलाइज होगा, शुगर मेल्ट हो चुका है, मेल्ट होने के बाद ये कैरमलाइज होगा, 4-5 मिनट में मेल्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका शुगर का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। तो जितना डार्क आपको चाहिए उतना आपको इसको कैरमलाइज करना है। तो अभी आप स्टर कर सकते हैं क्योंकि अब ये क्रिस्टल नहीं है और क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो अभी आप इसको स्टर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी हम स्टर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टर कर रहे हैं ताकि साइड में चिपके नहीं बिल्कुल भी और ये अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। तो शुगर मेल्ट होने के बाद आप इसको टच कर सकते हैं, देखिए धीरे धीरे कलर आपका शुगर का चेंज हो रहा है, लाइट गोल्डन हो गया। तो जैसा गोल्डन आप कलर चाहते हैं वैसा आप उसको दीजिएगा, जितना आप चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छे से बबल्स आए हैं और अब ये जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे बबल्स भी फास्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे आप देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है, गोल्डन कलर होता जा रहा है। और ये देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब आप जितना कलर चाहते हैं ना उतना आप इसको कैरमलाइज करें। उसके बाद आप इसमें ऐड करें सॉल्ट, तो ये 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, मीठे में नमक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है तो जरूर ऐड करें। साथ में यहाँ पे देखिए हमने 4 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया और अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। देखिए बटर ऐड कर दिया हमने 4 टेबल स्पून और फ्लेम बिल्कुल लो है। अब इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं हम, तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं और साथ में क्रीम ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम 1/2 कप। और फ्लेम को अब आपको ऑफ कर देना है, फ्लेम ऑफ करके इसको हमें पकने देना है, कलर जितना आप चाहते हैं उतना। उसके बाद ये देखिए फ्लेम ऑफ कर दिया हमने और ये हमारा कैरमल सॉस रेडी हो गया। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये सारे जो झाग हैं ये बैठ जाएंगे और ये देखिए तैयार है हमारा कैरमल सॉस। बस इतना ही इसमें एफर्ट करना होता है, आपका कैरमल सॉस घर पे ही रेडी हो जाता है। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है ये कैरमल सॉस। और कैरमल सॉस आप कितना थिक चाहते हैं वो भी डिपेंड करता है आप पर, कि यदि आपको लगे कि कैरमल सॉस थिक हो गया तो आप हल्का सा गरम दूध इसमें ऐड कर दीजिएगा, हल्का गरम दूध ऐड कीजिएगा तो ये जो है आपका पतला हो जाएगा कैरमल सॉस। तो जैसा आप थिकनेस चाहते हैं वैसा आप इसे बना सकते हैं। ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप इसे जार में भरकर रख दीजिए, ये महीनों तक खराब नहीं होता, फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। बाहर रखने पे 15 दिन चल जाता है, फ्रिज में रखने पे 1 महीना आपका चल जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया कैरमल सॉस, बहुत ही अच्छा बना है। तो यदि आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम तैयार कर लेते हैं अपना बैटर केक का। और इसमें हमने ऐड कर दिया 150 ग्राम बटर और ऐड कर देंगे यहाँ पे 1/2 कप कैस्टर शुगर, 1 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, यहाँ पे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। वनीला एसेंस जरूरी है और यदि एगलेस बना रहे हैं तो आप दही यूज करें, अन्यथा आप एग यूज करें। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, पिंच ऑफ येलो फूड कलर ही ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं।
देखिए बहुत अच्छे से बीट करेंगे तो येलो कलर आप बहुत थोड़ा सा डालिए तो ही आ जाएगा येलो कलर अच्छे से। तो देखिए अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है ताकि फ्लफी हो जाए। यदि आप एग यूज करते हैं तो यहाँ पे एक एग आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एगलेस बना रहे हैं इसलिए एग यूज नहीं कर रहे हैं, हमने दही यूज किया है। अच्छे से फेंट लिया, आप ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे तो चलिए ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, छानना है इसको। 1.5 कप हमने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने ऐड किया है बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से छान लेंगे। 1.5 कप यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है हमने। अब इसमें ऐड कर देंगे दूध, तो 1 कप दूध हमने ऐड कर दिया, 1 कप दूध और ऐड किया, नहीं 2 कप अभी ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद जितना दूध चाहिए उतना ऐड करेंगे क्योंकि एगलेस बना रहे हैं तो हम दूध ही ऐड करेंगे। यदि आप एग वाला बना रहे हैं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हो गया हमारा, 2 कप दूध सफिशियंट है। देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, इसी तरह का बैटर चाहिए। कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसको कीजिएगा, यहाँ विस्कर यूज नहीं कीजिएगा नहीं तो केक बैठ जाता है। तो अच्छे से हमने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से तैयार कर लिया। अभी केक टिन में हमने बटर पेपर लगा लिया, ऊपर से बटर अच्छे से ब्रश कर दिया। ये देख सकते हैं हमने अपने ओटीजी को 180 डिग्री 10 मिनट प्री हीट होने के लिए रखा है। और अब ये बैटर हम इसमें पोर कर देते हैं अच्छे से और इसको चला देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से स्टिक की मदद से थोड़ा सा चला देते हैं, इससे जो है ये अच्छे से सेट होगा। और उसके बाद हल्का सा डैप भी कर देंगे। ओटीजी हमारा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री 10 मिनट। ओटीजी प्री हीट होते ही हम अपने केक टिन को उसमें रख देंगे। देखिए ओटीजी प्री हीट हो चुका है, अब इसमें हम प्लेस कर देते हैं अपना बटर केक, बटर स्कॉच केक, और इसको सेट कर देंगे 200 डिग्री पे 45 से 60 मिनट। 60 मिनट काफी रहते हैं, 60 मिनट सेट कर दिया हमने। देखिए 60 मिनट के बाद केक कितने अच्छे से बेक हुआ है, देखिए बहुत अच्छा स्पॉन्ज आया है। चेक कर लेते हैं अंदर तक, देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया, मतलब केक हमारा रेडी है। अब इसे ठंडा करना है तो इसको कॉटन क्लॉथ से ढककर आप इसे छोड़ दीजिए किचन काउंटर पे, ये ठंडा हो जाएगा। 2-3 घंटे में अच्छे से ठंडा हो जाता है बिल्कुल, तो उसको ढक के हम छोड़ देते हैं। 2-3 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तब डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए आइसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आइसिंग क्रीम ली है, उसको अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से आप विस्कर से विस्क कर लें और इसमें ऐड कर देंगे हम बटर स्कॉच एसेंस, तो 2 टेबल स्पून बटर स्कॉच एसेंस और आइसिंग शुगर हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अच्छे से विप कर लेंगे। ये देखिए हमारा विपिंग क्रीम तैयार है। और अब इस केक को हमको डिमोल्ड करना है, तो इसको पेपर को निकाल देते हैं, इजीली डिमोल्ड हो जाता है। अब इसकी स्लाइसेस कट कर लेते हैं, जितने स्लाइसेस आप चाहें कट कर सकते हैं। हम तो 3 ही स्लाइस बनाएंगे, एक स्लाइस निकाल लिया, दूसरा स्लाइस हम निकाल रहे हैं, बस 3 स्लाइस हम निकालेंगे, छोटा सा केक है। ये देखिए तैयार हो गया। चलिए अब बना लेते हैं बटर स्कॉच ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे हमने शुगर ले लिया है 1 कप, शुगर को मेल्ट होने देंगे, पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए शुगर को टच नहीं किया हमने, अच्छे से इसको मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए शुगर को टच करेंगे तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसलिए टच ना करें। ये शुगर कैरमलाइज हो गया, तो ये हमारा कैरमल रेडी हो गया। ये देख सकते हैं थिक कैरमल है, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना आपको, तो धीमी आंच पे ही आप कैरमल तैयार करें। अब इसमें ऐड कर देते हैं काजू, ये चॉप किया हुआ काजू है। यहाँ बादाम भी यूज कर सकते हैं, हमने बादाम की जगह हमने काजू यूज किया क्योंकि स्पेशली जो बटर स्कॉच ग्रेन्यूल्स है उसमें काजू ऐड किया जाता है। तो ये हमारा बटर स्कॉच ग्रेन्यूल्स देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे।
देखिए तैयार हो गया अच्छे से, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट पे निकाल देते हैं। देखिए बिल्कुल प्लेट पे निकाल दीजिए इसको, और ये देखिए हमारा, इसको ठंडा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, फटाफट से ठंडा हो जाता है और उसके बाद हम इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजीली निकल जाता है क्योंकि प्लेट पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, और ये इजीली निकल जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप कूट लीजिए तो ये इस तरह का ग्रैन्यूल्स रेडी हो जाता है। ये आप चाहे केक में डालिए, चाहे आप ये मूज में डालिए, या फिर आइसक्रीम में। तो ये तैयार हो गया हमारा शुगर ग्रैन्यूल्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है ये केक में भी और दूसरे जगह भी। तो चलिए केक को हम आइसिंग कर लेते हैं। वीडियो देखिएगा जिस तरह से हमने व्हिपिंग क्रीम लगाया है, और ऊपर ये देखिए हमने कैरमल सॉस एक स्लाइस, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, फिर कैरमल सॉस, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइस, फिर व्हिपिंग क्रीम, फिर कैरमल सॉस, अगेन इसमें ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स जरूर ऐड कीजिएगा बीच में। उसके बाद हमने यहाँ पे बटर स्कॉच टेस्ट देना है। तो पहले हम देखिए व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से सेट कर लेते हैं। सारे आपको इक्विपमेंट लगेंगे तो ये इक्विपमेंट रेडी रखिएगा। फटाफट से इसको हम आइसिंग कर लेते हैं, ये तैयार करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। चलिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया हमने, अब इसमें हम आइसिंग करते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम को हमने कोन में भर लिया, उसके बाद मनचाहा डिजाइन बना दीजिए। मनचाहा आप नोजल लगाइए और डिजाइन बनाइए जैसा आपको पसंद है। देखिए हम थोड़ा सा बहुत ही शानदार डिजाइन हम बना रहे हैं क्योंकि ये केक हमने बनाया है हमारा क्लब पैशन ऑफ कुकिंग की एनिवर्सरी पर। तो एनिवर्सरी का केक तो बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो अच्छे से इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। यदि गर्मियों का दिन है तो आप जो है एसी में बैठकर बनाइए, और सर्दियों के मौसम में आप कहीं भी बना सकते हैं। ऊपर से कैरमल सॉस और थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे कैरमल सॉस, थोड़ा सा इसको बहुत सुंदर बनाना है, जरूर बनाइएगा। अपनी क्रिएटिविटी साइड्स में इसको कवर कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा केक बनकर रेडी हो रहा है हमारा, बहुत ही शानदार केक बनकर रेडी हो रहा है। इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं इस तरह से, और ये जिम जैम बिस्किट साथ में पीओसी हम लिख देते हैं, और शुगर ग्रैन्यूल्स जो है हमने बनाया है वो इसमें स्प्रिंकल करेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बटर स्कॉच केक, और बहुत ही डिलीशियस शुगर ग्रैन्यूल्स जितना आप अच्छे से लगा दीजिए उसको, और थोड़ा सा चेरी भी लगा दिया फ्रेश चेरी। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा बटर स्कॉच केक, अमेजिंग केक, टेस्टी है, डिलीशियस है, और एगलेस भी है फ्रेंड्स। ये केक एगलेस है और आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। इस मौसम में भी सावन का महीना है, आप बिल्कुल विदाउट एग विदाउट ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो आप इस तरह का केक बनाइए और एंजॉय कीजिए। बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, या यूं ही खाने का मन करे तो ये बटर स्कॉच केक बनाना तो बनता है, बनाइएगा। डेकोरेशन हमने बहुत ज्यादा अलग चीजें यूज नहीं किया है, सिर्फ दो चेरी, दो तीन चेरी यूज किया है, फ्रेश चेरी और जिम जैम। बाकी बटर स्कॉच जो कैरमल सॉस है और बटर स्कॉच ग्रैन्यूल्स है, सिर्फ वही यूज किया। तो चलिए काट लेते हैं और इंजॉय करते हैं पैशन ऑफ कुकिंग का एनिवर्सरी। एनिवर्सरी हमें इंजॉय करना है तो केक करेंगे कट। तो चलिए फटाफट से केक कट कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं। आप सभी जरूर बोलिएगा हैप्पी एनिवर्सरी पैशन ऑफ कुकिंग क्लब। ऐसे ही पैशन ऑफ कुकिंग हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, और हम आपके लिए हर साल केक लाते रहे। तो ये बटर स्कॉच केक देखिए कट हो गया है और ये तैयार हो गया है। वाओ, बहुत ही अमेजिंग केक बना है। तो फटाफट से हम इस केक को सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी पैशन ऑफ कुकिंग क्लब का। आप भी बनाइए ये बटर स्कॉच केक, डेफिनेटली पसंद आएगा आपको। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और डिफरेंट केक होता है, और स्पेशल आपको पसंद आएगा।
तो फटाफट से बना लीजिए बटर स्कॉच केक और हमें बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए और थैंक्स गिविंग का ऑप्शन है जरूर दीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता है जब आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है, आप बनाते हैं और इंजॉय करते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं पैशन ऑफ कुकिंग तो का। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।